हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। सामुद्रिक लेखन सकल चौसठी कला सुजान जानी चतुर्दश अंग शट रति बसंत प्रमाण। ये दो है, इसमें जो पद्मावती की सुंदरता उसका ज्ञान इन सभी के बारे में बताया। सामुद्रिक लक्षण, सामुद्रिक लक्षण का मतलब होता है सामुद्रिक शास्त्र एक विद्या है और इस विद्या का जो जानकार होता है वो बता सकता है कि सुंदरता को किस तरह मापा जाए। जैसे हस्त पैर मुख ये चीजें देखकर इस विद्या का जानकार वो बता सकता है कि सुंदरता किस तरह मापी जाती है। तो कवि बता रहा है कि सामुद्रिक शास्त्र के जो शुभ लक्षण होते हैं सकल वो सारे पद्मावती में, सकल का मतलब होता है सारे, वो सारे लक्षण पद्मावती में विद्यमान है। चौसठी कला सुजान, और वो चौसठ कलाओं में सुजान यानी प्रवीण है, पारंगत है, यानी सामुद्रिक शास्त्र के जो शुभ लक्षण होते हैं सारे उसमें विद्यमान है और वो चौसठ कलाओं में प्रवीण है। जानी चतुर्दश अंग शट रति बसंत प्रमाण। जानी चतुर्दश, चतुर्दश का मतलब चौदह, वह चौदह विद्याओं में प्रवीण है। अंग शट, और जो शट का मतलब होता है छह, जो दर्शन शास्त्र के अंग है उसमें और वेद के जो अंग होते हैं उनमें प्रवीण है। चौदह विद्या, छह दर्शन और जो वेद के छह अंग होते हैं उनमें प्रवीण है, पारंगत है, उसकी जानकार है। रति बसंत प्रमाण, रति यानी कामदेव की पत्नी, बसंत यह शब्द आया कामदेव के लिए, बसंत ऋतु कामदेव की ऋतु थी इसलिए यह कामदेव के लिए बसंत शब्द आया है। यानी जो बस कामदेव की पत्नी रति है उसके समान वो सुंदर है। चौदह विद्या और छह दर्शनों की जानकार और कामदेव की पत्नी रति की समान सुंदर है कौन? पद्मावती। अगला देखिए, सखियन संग खेलत फिरत महलनी बाग निवास कीर इक दिखे नयन तब मन भयो उल्लास। सखियन संग खेलत फिरत, पद्मावती के बारे में बताया गया कि वो सखियों के साथ खेल फिर रही, संग का मतलब साथ, महलनी यानी अपने महल में बाग निवास, अपने महल में बाग में वो सखियों के संग खेल रही थी। कीर इक दिखे नयन, कीर यानी तोता, कीर किसे कहा गया है? तोते को। इक यानी एक, तभी उनको एक तोता दिखाई दिया किनको? पद्मावती को। तब मन भयो उल्लास, उल्लास का मतलब होता प्रसन्नता, और उस तोते को देखकर उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मन अति भयो उल्लास बिकसी जनु कोक किरण रवि अरुण अदर तिये सुगर बिंब फल जानी कीर छवि चह यह चाहत चक चकित उहजू तकी जरपी जर चंच चहुतिये लोभ लियो तब गयत अपकर हरकत अनद मन मई हुलस ले जू महल भीतर गईये पंजर अनूप नग मनी जड़ित सोती है मैं रखत बई। मन अति भयो उल्लास, उल्लास मतलब प्रसन्न, यानी तो तोते को देखा तो पद्मावती मन बड़ी प्रसन्न हुई। विक्षी जनु कोक किरण रवि, विक्षी का मतलब प्रसन्न हुई, किस प्रकार? जनु जिस प्रकार, कोक, कोक का मतलब होता है चकुआ, जिस प्रकार चकुआ रवि किरण यानी सूर्य की किरणों को देखकर प्रसन्न होता है। जब चकुआ चकुरी आपस में बिछुड़ जाते हैं और सवेरे मिलते हैं तो इस प्रकार उनको खुशी होती है कि सूर्योदय हो गया हम वापस मिलेंगे, उसी प्रकार सूर्य की किरण को देखकर चकुआ जिस प्रकार प्रसन्न होता है उसी प्रकार तोते को देखकर पद्मावती प्रसन्न हुई। अरुण अधर तिये सुगर, उसके लाल अधर यानी होठ, तिये का मतलब स्त्री, उस सुंदर स्त्री के लाल और बिंब फल जानी कीर छवि, तोते ने उनको बिंबा फल समझा,
जिसे बिम्बा फल लाल रंग का एक फल होता है, तोते अप्रिय फल होता है, तो उनके जो लाल होड़ थे उनको देकर तोते को क्या लगा कि ये बिम्बा फल है। देखिए यहाँ जनु शब्द आया है, इनु मनु जनु आता है, उपरेक्ष अलंकार में पहले ही बता चुका हूं। और जो ये पंक्ति है बिंब फल जाने की छवि, यहाँ होठों को बिंबा फल समझ लिया गया, भ्रांति हो चुकी है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान। तो यह भ्रांतिमान अलंकार। यह चाहत चक चकित वजू तकी जरपी जर, और ये चाहकर चक चकित उन बिंबा फल को चखने के लिए या उनको लेने के लिए, उहजू तकिए, तकिए मतलब देखना, झरपी जर उनको देखकर वो जैसे ही झरपी जर उस पे झपटा, यानी होठों को बिंबा फल समझ के उनको लेने के लिए तोता जो ही उस पे उनपे झपटा, चंच चोटी लोभ अपनी चोंच से उनको तोड़ लेने के लोभ में तोता जो ही झपटा, लियो तब गहित अपकर, तब पद्मावली ने गहित का मतलब पकड़ना, पकड़ लिया अपकर यानी अपने हाथ में, कर का मतलब क्या होता है हाथ, जो ही वो होटो को बिंबा फिर समझ के उस पर झपटा उसे चौंक से तोड़ने के लोभ में, तो ही पद्मावती ने अपने हाथ में उसे पकड़ लिया। हरखत आनंद मन मही उल्लास, यानी वो बड़ी प्रसन्न हुई, उनको बड़ा आनंद हुआ और मन में बड़ी प्रसन्नता हुई उस तोते को पाकर। ले जू महल भीतर गई, और उसको पकड़ कर वो महल के भीतर ले गई। पंजर अनूप नग मणि जड़ित, पंजर का मतलब पिंजरा, अनूप यानी अनुपम, नग मणि यानी नगों और मणियों से जड़ा हुआ एक अनुपम पिंजरा लाया गया। सोहो तीही में रखत भई, और उस तोते को उसके तीही यानी उसके अंदर रखा गया।